विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए सुबह सवेरे तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में पहुंचे। डॉक्टर बिंदल इस दौरान स्टाफ से बेहद खफा दिखे। तैयारियों से असंतुष्ट विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा सचिव को यहां तक कह डाला कि सब कर्मियों को यहां से उठाकर शिमला भेज दो। इस दौरान उनके साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी सत्के में आ गए। तपोवन में विधानसभा का सत्र 10 से 15 दिसंबर तक होना है। विधानसभा परिसर का निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर बिंदल ने DRDA हॉल धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की व्यवस्थाओं के बारे में जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें समय रहते सभी तैयारियों को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। तैयारियों से असंतुष्ट दिखे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल 9 दिसंबर को एक बार फिर विधानसभा परिसर का निरीक्षण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने निरीक्षण करने के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि धर्मशाला में आयोजित 6 दिनों के शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर विधायकों में भारी उत्साह है और विधायकों द्वारा काफी अधिक मात्रा में प्रश्न लगाए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार इन 6 दिनों में कुल 437 प्रश्न लगाए गए हैं, जिनमें से 344 तारांकित एवं 93 अनतारांकित प्रश्न होंगे। उन्होंने कहा कि विधायकों ने अनेक मुद्दों पर चर्चा मांगी है, जिनमें से 101, 130, 162 व 163 के तहत चर्चा की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सब लोग जागरूक हुए हैं और अब प्रश्नों के माध्यम से अपनी बात सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शीतकालीन सत्र अच्छे से हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि हर वर्ष की तरह लोकतंत्र का ये मंदिर अपने पूरे यौवन पर दिखाई देगा। बिंदल ने कहा कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों विधानसभा के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष और विधायक गणों के लिए अपनी बात रखने का ये मंदिर है और सरकार का यह दायित्व है कि वो उनके प्रश्नों व चर्चाओं का उत्तर दे। उन्होंने कहा कि दोनों को सहज रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष अपनी आवाज को नियमों की परिधि में बुलंद करे और सरकार उसका माकूल उत्तर दे। अरे सिंक के में बोल रहा कॉपर सल्फेट लगाया होता, साला कहाँ सिंक जाएगी, मार दिया पेड़ इतना सुंदर। शक्ति साहब सब बंदे उठाओ यहाँ से, वहाँ सबको शिमला भेजो, कोई जरूरत नहीं है। विंटर का जो सेशन इस बार है, हर वर्ष की तरह धर्मशाला में ये सेशन संपन्न होगा। 10 तारीख से 16 तारीख तक 6 दिन की सिटिंग्स हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण सिटिंग्स रहने की हम आशा करते हैं। और उसका कारण है कि विधायकों में उत्साह है और जो मैंने नोटिस किया है कि बड़ी मात्रा में प्रश्न इस बार विधायकों ने लगाए हैं। 6 दिन के अंदर 344 क्वेश्चन स्टार्ड हैं और 93 जो प्रश्न है वो अनस्टार्ड। अनेक मुद्दों पर डिस्कशंस विधायकों ने मांगी है, 101 में, 130 में, 62 में, 63 में। ऐसा और प्रतीत होता है कि सब लोग जागरूक हुए हैं और विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से वो अपनी बात सरकार तक रखना चाहते हैं। आज विधानसभा परिसर को देख करके उसमें जो भी और आवश्यक सुधार हैं उसके दिशा निर्देश दिए हैं, अभी प्रशासन के साथ बैठक करके और सेशन अच्छे से हो, प्रशासन ने संपूर्ण तैयारी की है, उसके अंदर जो भी कुछ छोटा मोटा परिवर्तन करने का होगा उसको करके हम आशा करते हैं कि 10 तारीख से और लोकतंत्र का ये मंदिर और पुनः एक बार हर वर्ष की तरह से अपने यौवन पर दिखाई दे। सर विपक्ष से आप क्या अपील कर रहे हैं? सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों विधानसभा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिपक्ष और विधायकगणों के लिए अपनी बात रखने का ये मंदिर है और सरकार का दायित्व है कि सरकार उनके प्रश्नों का, उनकी चर्चाओं का उत्तर दे।
दोनों को ही सजग रहने की जरूरत है। प्रतिपक्ष अपनी आवाज को बुलंद करे नियमों की परिधि के अंदर और सरकार उसका माकूल उत्तर दे, दोनों के लिए जरूरी।